आरंभ हो जाएछि मा प्रभावित अंचल विजय संकल्प शंखनाद मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंची सारी छत्तीसगढ़ बस्तर रे एवं विशाल जनसभा को संबोधित कर कार्य के लिए निकलते थे तो स्वाभाविक है कि बलिराम जी ने जो तपस्या की जो पुरुषार्थ किया उसी का नतीजा है कि आज हम सब ने आपका इतना विश्वास प्राप्त किया है। प्यारे भाइयों बहनों, देश के लिए, आदिवासी कल्याण के लिए बलिराम जी हर पल जागरूक रहते थे, जितना हो सके करने का प्रयास करते थे और बस्तर ने, छत्तीसगढ़ ने मुझे और भाजपा के हमारे हर साथी को अपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी है और आज भी यहां दूर दूर से इतनी विशाल संख्या में आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं उधर रेलिंग के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में चारों तरफ लोगों को देख रहा हूं। आज मैं आपके बीच आया हूं, पिछले 10 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है, देश ने कितनी प्रगति की है और उसमें आप सबका जो साथ मिला है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करने भी आया हूं। आप लोगों ने यहां सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं बनाई बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी मजबूत की है। छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है फिर एक बार। साथियों, अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया। कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है ये मुझे पता है। जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बीतती है ये मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है ये मैं जानता हूं और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक
गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई, गरीब को उसका हक दिया। आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, गरीबों के लिए भाजपा ने कैसे काम किया, इसका बहुत बड़ा गवाह हमारा ये बस्तर है। बस्तर के बारे में तो कहा जाता है मावा बस्तर, सोबले बस्तर। बस्तर डिवीजन से ही मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में गरीब को सस्ते इलाज, सस्ती जांच का प्रमुख केंद्र बने हैं। यहां छत्तीसगढ़ में भी हजारों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। इन आरोग्य मंदिरों की वजह से गरीबों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिली है, उनकी चिंता कम हुई है। मोदी ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है, वो भी गरीबों के बहुत काम आ रही है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।